हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज मैं बात करूंगा नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम, डिज्नी प्लस हॉटस्टार से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में। आज बात करूंगा इन प्लेटफॉर्म के अपकमिंग टीवी शो और मूवीज के अपडेट के बारे में कि कौन से रिलीज हो चुके हैं या कौन से रिलीज होने वाले हैं। देन साथ ही साथ बात करूंगा कुछ एक्स्ट्रा अपडेट के बारे में जो कि शी हल्क से रिलेटेड है। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्क्विड गेम के बारे में जो कि बहुत ही कमाल का अपडेट है। आप सभी जानते हैं कि सीजन 1 काफी ज्यादा सक्सेसफुली रहा और मुझे तो पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छा लगा और इसका सेकंड सीजन पर भी काम चल रहा है। बट राइटर्स ने और इसके मेकर्स ने कंफर्म कर दिया है कि वो इसके फाइनल सीजन पे भी काम कर रहे हैं, यानी कि सीजन 3 भी हमें इसका देखने को मिलेगा। तो मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं। देन आपने ये सीरीज देखी है या नहीं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आपको ये सीरीज कैसी लगी वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलिए अब बात करते हैं ओटीपी अपडेट्स के बारे में। तो सबसे पहले जितनी भी अपडेट्स हैं वो मेरी वेबसाइट पे ऑलरेडी हैं, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रीमिंग नाउ अपडेट के बारे में जो कि रिलीज हो चुकी है। तो सबसे पहले डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज हो चुकी है द बुक ऑफ बोबा फेट, जो कि रिलीज हुई थी 29 दिसंबर हिंदी तमिल तेलुगु में, जाके चेकआउट कर सकते हैं। पहला एपिसोड काफी कमाल का था। देन उसी के साथ लॉन्गेस्ट प्ले पर रिलीज हो चुकी है और गूगल प्ले पर रिलीज हो चुकी है रॉन्ग टर्न, जो कि 29 दिसंबर को रिलीज हुई थी हिंदी इंग्लिश में। बहुत ही कमाल की मूवी है, हॉरर टाइप की, देखने लायक है। देन उसी के साथ गूगल प्ले पर रिलीज हो चुकी है द बॉस बेबी फैमिली बिजनेस, हिंदी इंग्लिश में आ चुकी है। अगर आप गूगल प्ले से मूवी देखते हो, परचेस करते हो, तो आपके लिए बेटर ऑप्शन है, वरना आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। देन उसी के साथ ओल्ड अपडेट है पर विचन सीजन 2 भी आ चुका है, जो कि हिंदी इंग्लिश में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुका है 17 दिसंबर 2021 को। देन उसी के साथ हिटमैन वाइफ बॉडीगार्ड, जो कि लॉन्गेस्ट प्ले पे आ चुका है हिंदी तमिल तेलुगु में 16 दिसंबर 2021 को। बहुत ही कमाल की मूवी है, देखिएगा जरूर, पहला पार्ट भी हिंदी में आ चुका है पहले ही। देन उसी के साथ अब बात करते हैं स्ट्रीमिंग सून अपडेट के बारे में। तो मैंने इसमें काफी सारे अपडेट थे पर मैंने चुनिंदा ही अपडेट ली है, तो आप वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरा फेवरेट वन ऑफ द बेस्ट कोबरा काई सीजन 4, जो कि इस साल के लास्ट में रिलीज होने वाला 31 दिसंबर को हिंदी इंग्लिश में रिलीज होगा, तो सभी देखेगा जरूर, मैं भी देखूंगा। देन उसी के साथ हैरी पॉटर 20 एनिवर्सरी रिटर्न टू हॉगवर्ट्स, जो कि रिलीज होगा अमेजॉन प्राइम पर 1 जनवरी को, तो हिंदी का कोई भी अपडेट नहीं है, जैसे कोई अपडेट आएगा आपको तुरंत बता दूंगा। देन उसी के साथ सुपरमैन एंड द लुईस सीजन 2, जो कि CW की उनकी ऑफिशियली वेबसाइट और ऐप पर भी रिलीज होगा, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, पर बाद में रिलीज होगा। देन उसी के साथ इंटरनल्स, जो कि 12 जनवरी 2022 को रिलीज होगी हिंदी तमिल तेलुगु मलयालम में, डिज्नी प्लस हॉटस्टार और प्रीमियम पे दोनों पे आप देख सकते हैं। देन उसी के साथ वन ऑफ दी माय फेवरेट मूवी होटल ट्रांसिल्वेनिया ट्रांसफॉर्मिनिया, बहुत ही कमाल की मूवी है, हिंदी तमिल तेलुगु में रिलीज होगी अमेजॉन प्राइम पर 14 जनवरी को, तो मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं इस मूवी के लिए। देन उसी के साथ मून नाइट, जो कि अपडेट आ रहे हैं, रूमर आ रहे हैं कि मिड फरवरी में ये आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी मार्वल की सीरीज, तो होपफुली जैसी कंफर्मेशन आएगी आपको तुरंत अपडेट कर दूंगा। चलिए सबसे पहले आप बात करते हैं शी हल्क के अपडेट के बारे में। तो शी हल्क बहुत ही कमाल की सीरीज है, मिड अप्रैल का अपडेट है कि ये रिलीज होगी मिड अप्रैल में, जिसमें कि आपको काफी सारे हल्क के कॉन्सेप्ट देखने को मिल सकते हैं, वेरिएंट देखने को मिल सकते हैं। पर सबसे ज्यादा जो रूमर तगड़ी आ रही है शी हल्क से रिलेटिव, कि आपको इसमें हल्क का बेटा भी देखने को मिलेगा। जी हाँ, आपने सही सुना, हल्क का बेटा देखने को मिलेगा। अब ये कैसे हुआ, कब ये बच्चा हुआ, कब इन्हीं ये रिलेशनशिप हुआ, तो ये मुझे सब कुछ जानना है, पर सीरीज का वेट करना पड़ेगा। काफी लोग सोच रहे होंगे शी हल्क का बाद शी हल्क सीजन 2 भी आएगा, बट ऐसा नहीं है। ये सीरीज आगे जाके सेटअप होगी वर्ल्ड वॉर हल्क पर, जिस पे ऑलरेडी एक मूवी कंफर्म हो चुकी है, जिसमें कि ब्रूस बैनर दोबारा से रिटर्न होंगे हमारे हल्क में, जो कि वर्ल्ड वॉर हल्क होने वाला, बहुत ही कमाल का। और देन इस सीरीज का सबसे बड़ा रूमर जो चल रहा है वो है डेडेविल कैरेक्टर आपको इस सीरीज में भी देखने को मिलेगा, तो मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं। और देन आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हुए कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो गाइस आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।